नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से, सरकार का सकारात्मक चर्चा पर जोर। ड्यू विवाद, मछुआरों की समस्या समेत कई मुद्दे उठाने की तैयारी में विपक्ष। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर जोर। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति के साहस और समर्पण को किया नमन। ट्रेन धमाके और लखनऊ हमले की जांच में जुटी एनआईए। मुठभेड़ में मारे गए सैफुल्लाह के आतंकी संगठन आईएस से संबंध होने से यूपी पुलिस का इनकार। विचारधारा से बताया प्रेरित। उत्तराखंड की कर्णप्रयाग और उत्तर प्रदेश की आलापुर सीट पर वोटिंग शुरू। उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर में 60% से ज्यादा और मणिपुर में रिकॉर्ड 86% मतदान। 11 मार्च को आएंगे नतीजे। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने की शानदार शुरुआत। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु दूसरे दौर में। पुरुष वर्ग में एचएस प्रणय ने भी जीता पहला मैच। संसद में बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन की सुचारू कार्यवाही के लिए सभी दलों से सहयोग मांगा है। सरकार की कोशिश जीएसटी समेत कई दूसरे बिलों को पारित कराने की है। वहीं विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दे रखा है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद आज से बजट सत्र के दूसरे हिस्से की कार्यवाही शुरू होगी। इस दौरान बजट पर चर्चा के अलावा जीएसटी समेत कई विधेयक दोनों सदनों में पारित कराने के लिए रखे जाएंगे। सरकार ने सभी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग मांगा है। हम सभी मुद्दों पर सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा के पक्ष में हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जो लेजिस्लेटिव वर्क है वो भी होंगे और विपक्ष किन्हीं मुद्दों पर अगर चर्चा करना चाहेगा तो उस पर भी हम तैयार हैं। इसलिए ये सदन जो है वो ये जो दूसरा पार्ट है बजट सत्र का, ये शांतिपूर्ण हो सके, रचनात्मक हो सके, सकारात्मक हो सके, इस दृष्टि से हम विपक्ष से भी संपर्क संवाद और समन्वय के माध्यम से सदन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। विपक्ष भी सदन में कई मुद्दों को उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस हाल में दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई घटना को उठा सकती है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने मिड डे मील के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है, तो डीएमके ने तमिल मछुआरों के मुद्दे पर नोटिस दिया है। आज राज्यसभा की कार्यवाही दिवंगत सांसद हाजी अब्दुल सलाम को श्रद्धांजलि देने के बाद दिन भर के लिए स्थगित हो सकती है। 1 महीने तक चलने वाले बजट सत्र के दूसरे हिस्से में कुल 23 बैठकें होनी हैं। सत्र का दूसरा हिस्सा 12 अप्रैल तक चलेगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से प्रचार की लागत कम होगी और शासन की गुणवत्ता में सुधार होगा। दिल्ली में कल चुनाव सुधार सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में धन बल के इस्तेमाल को रोकने के लिए कई सुधारों की दरकार है। वित्त मंत्री ने आम चुनाव में पारदर्शी चुनावी फंडिंग के लिए मॉडल विकसित करने की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए कैशलेस डोनेशन या इलेक्टोरल बॉन्ड बेहतर हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक दलों के आरटीआई के दायरे में आने पर कई व्यावहारिक दिक्कतें हैं। राज्यसभा वोटिंग इज अ ट्रांसपेरेंट वोटिंग, यू हैव टू शो योर वोट एंड इफ यू वोट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द पार्टी यू गेट आउट, बट द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स। तो व्हाट डज अ पार्टी डू व्हेन यू हैव दैट लास्ट सीट फिनोमेना? अलाउ एन एमिनेंट सिटीजन, it could be some former chief of the armed forces or a former judge or some eminent author who's politically not aligned to come in, so that such people can also have a voice in the upper house. It's better than having a money bag just enter. Delhi sarkar ne kal vidhan sabha mein budget pesh kiya. Isme koi naya tax nahi lagaya gaya hai. Kejriwal sarkar ise jadui budget bata rahi hai, wahi vipaksh ise dishaheen budget bata raha hai. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश किया। इस बार भी शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर रहा। कुल बजट का 24% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा।
इसके बाद स्वास्थ्य और परिवहन व्यवस्था को तरजीह दी गई है। साल 2017-18 के लिए 48,000 करोड़ रुपए का दिल्ली का बजट पेश किया गया, जो पिछले साल से 6,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसमें शिक्षा के लिए 11,300 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 5,736 करोड़ रुपए, परिवहन के लिए 5,506 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जल बोर्ड के लिए 2,108 करोड़ और एमसीडी के लिए 7,571 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट भाषण के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। पहली चीज तो ये कि कुछ ये कि चुनावी बजट क्यों नहीं है? अगर हम दिल्ली की जनता के लिए अच्छा काम करते हैं तो आप उसको चुनावी बजट बोलिए। अगर हम वोट ये मांगने जब जनता के बीच में जाएं और कहें कि हमने आपकी दवाइयां मुफ्त कर दी, हमने आपकी सर्जरी मुफ्त कर दी, हमने आपके टेस्ट मुफ्त कर दिए, हमने आपके बच्चों के स्कूल अच्छे बना दिए, आप हमें वोट दो, अच्छी बात है। अगर हम जाके कहें कब्रिस्तान के नाम पे और शमशान घाट के नाम पे वोट दो, तो ये गलत बात है। बीजेपी ने इसे पिछले साल के बजट की फोटोकॉपी करार दिया। हर बजट में सरकार जिस कमिटमेंट से आई थी उसका जो आत्मविश्वास था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। पहले बजट में इन्होंने कहा स्वराज बजट होगा, जनता के बीच में जाएंगे, बजट बनाएंगे। इस बार आउटकम बजट की बात कर रहे हैं, स्वराज बजट की बात ही नहीं कर रहे। दिल्ली सरकार ने इससे पहले स्वराज बजट पेश किया था और चालू वित्त वर्ष का बजट आउटकम बजट के नाम से पेश किया है। दिल्ली सरकार ने अपना तीसरा टैक्स फ्री बजट पेश कर अपनी पीठ तो थपथपा ली, लेकिन जिन वादों के दम पर यानी फ्री वाईफाई, महिला सुरक्षा और सीसीटीवी के दम पर सत्ता में आए थे वही इस बजट से नदारद रहे। कैमरामैन शिव कुमार के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जयपुर की एनआईए कोर्ट ने अजमेर दरगाह ब्लास्ट मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में स्वामी असीमानंद और आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार समेत 5 को बरी किया है और 3 आरोपियों को दोषी ठहराया। अजमेर दरगाह में 2007 में हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 20 लोग घायल हुए थे। साल 2011 में मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। कोर्ट सजा का ऐलान 16 मार्च को करेगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन्हें श्रीनगर के बेमिना बाईपास पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। इनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। पुलिस ने 3 संदिग्धों को अपनी हिरासत में ले लिया है। भारत और श्रीलंका ने एक दूसरे की जेलों में बंद मछुआरों को रिहा करने पर सहमति जताई है। पीटीआई के मुताबिक श्रीलंका 85 जबकि भारत 19 मछुआरों को रिहा करेगा। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया है। यह फैसला हाल ही में श्रीलंका की नौसेना की गोलीबारी में भारतीय मछुआरे की मौत के बाद लिया गया। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सर्वानंद नाम के मछुआरे की मौत के बाद तनाव बढ़ गया है, जिसके बाद श्रीलंका ने मामले की जांच का आदेश दिया था। हालांकि साथी मछुआरे की हत्या के विरोध में तमिलनाडु में मछुआरे हड़ताल पर चले गए हैं। मछुआरे समस्याओं के स्थायी समाधान और श्रीलंका की जेल में बंद भारतीय मछुआरों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। जयललिता की मौत की जांच की मांग को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम चेन्नई में एआईएडीएम के मुख्यालय के बाहर भूख हड़ताल की। इसके अलावा तमिलनाडु के कई इलाकों में भी इस मामले पर विरोध हुआ। दिल्ली में भी पनीरसेल्वम गुट के 12 सदस्यों ने इस मामले पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर जांच की मांग की। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने जयललिता की मौत से संबंधित स्वास्थ्य रिपोर्ट सार्वजनिक की थी, जिसमें यह सामने आया था कि जयललिता की मौत हृदय गति रुकने से हुई थी। शिवसेना के विश्वनाथ महाडेश्वर मुंबई के नए मेयर चुने गए हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी बिट्ठल लोकरे को हराकर जीत हासिल की। मेयर चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना का समर्थन किया, वहीं एमएनएस ने मतदान का बहिष्कार किया। बीएमसी चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद से बीजेपी ने मेयर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। बीएमसी चुनाव में शिवसेना को सबसे ज्यादा 84 सीटें और बीजेपी को 82 सीटें मिली थीं। और अब बात विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के लिए कल हुए मतदान में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। इस दौर में आम मतदाताओं के साथ कई बड़े नेताओं ने भी शिरकत की।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण के लिए बुधवार को वाराणसी समेत 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले गए। महिलाओं और युवा वोटरों ने वोटिंग को लेकर खासी दिलचस्पी दिखाई। इस बार यही सोचा था भैया कुछ गरीबन कर अच्छा करेंगे और क्या कही, बस भैया तो नहीं सबके। हाँ, आज महिला दिवस है, नाश्ता भी बांट रहे हैं भाई, सब कोई अच्छे से हो रहा है, सबको पानी भी पिलाया जा रहा है, महिला को अच्छे से सब स्वागत भी यहाँ पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के लिए हुए मतदान में आम लोगों के साथ कई बड़े नेताओं ने भी शिरकत की। अब मुझे लगता है कि पूरी उत्तर प्रदेश विकास के केंद्र बिंदु में आ गया है। एम्स की स्थापना हो रही है पूरी उत्तर प्रदेश में, तो पूरी उत्तर प्रदेश के लोग अब इलाज के लिए दिल्ली के बजाय गोरखपुर चले जाएंगे। जो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है, हर किसी की साख दांव पे लगी हुई है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं जाते हैं कि जिस क्षेत्र से हम जुड़े हैं उस क्षेत्र को हम जीते हैं। और जहां तक हमारे गठबंधन का सवाल है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक एक सीट जीतने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अगली सरकार एनडीए गठबंधन की ही बनेगी। चुनाव आयोग ने वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए इस बार खासे इंतजाम किए। भदोही में अमराई समेत कई मॉडल बूथ बनाए गए। No, definitely the voting percentage has gone high and in the context of UP if you see, I think it has been a good voter turnout. Not possible exactly, but yes, there were few people waiting, so it might increase marginally more. सातवें चरण में कुल 535 उम्मीदवार मैदान में हैं। 11 मार्च को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के साथ साथ मणिपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर विधानसभा के दूसरे और आखिरी दौर में रिकॉर्ड 86% मतदान हुआ। कल 22 सीटों के लिए वोटिंग में लोगों ने खासा उत्साह दिखाया। इस दौर में ज्यादातर सीटें पहाड़ी इलाकों की थीं। ये तस्वीरें हैं मणिपुर की, जहां दूसरे दौर की 22 सीटों के लिए सुबह से लोग कतार में नजर आए। युवा मतदाता खासे उत्साहित दिखाई दिए और भारी तादाद में वोट डालने पहुंचे। I'm here to vote just to upgrade the economic status, that is to remove unemployment and poverty. A paid job. Because even the married student people, they are not elected, and then only those who are not qualified, they are elected by giving money and all. That is what I want. Because even the married student people, they are not elected, and then we're unemployed. कई मतदान केंद्रों पर पहली बार वोट डालने वालों को उपहार भी दिए गए। मतदाताओं ने कहा कि वोट डालते समय विकास, रोजगार और शिक्षा का मुद्दा उनके जहन में रहा। इस वोट से हम चाहते हैं कि पढ़ाई अच्छा हो और अच्छा जॉब मिले फ्यूचर में। संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मणिपुर में मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। The total turnout for this phase has been 86%, 86%, and in which the male percentage is 84 and female percentage 89. मणिपुर चुनाव में 7 जिलों के निर्माण और आर्थिक नाकेबंदी का मुद्दा मतदान में छाया रहा। दूसरे दौर की 22 सीटों पर मतदान खत्म होने के साथ ही 98 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। मणिपुर में पहले दौर की 38 सीटों पर 4 मार्च को मतदान हुआ था। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड की कर्णप्रयाग और उत्तर प्रदेश की अलापुर विधानसभा सीट पर आज वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इन दोनों ही क्षेत्रों में चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। अंबेडकर नगर जिले में पड़ने वाली अलापुर सीट पर 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के 3,23,000 से ज्यादा मतदाताओं को आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। इनमें 1,47,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। 10वीं के छात्र वोकेशनल जबकि 12वीं के छात्र अंग्रेजी कोर और इलेक्टिव की परीक्षा देंगे। इस बार 10वीं के लिए 8 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 16% ज्यादा है। वहीं 12वीं के छात्रों में 2.82% का इजाफा हुआ है। इस बार करीब 11 लाख छात्र 12वीं की परीक्षा देंगे। छात्रों की सहूलियत के लिए सीबीएसई ने खास इंतजाम किए हैं। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। Thank you.
ऐतिहासिक शहर हैदराबाद और हैदराबाद में मौजूद मशहूर चार मीनार। सदियों से हैदराबाद की पहचान रही चार मीनार को 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। इस इमारत में चार विशाल मीनारें हैं। ये मीनारें एक मेहराब से जुड़ी हुई है। ये मेहराबें मीनार को सहारा भी देती हैं। चार मीनार की खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से आते हैं हर साल हजारों पर्यटक। के बाद स्वागत है आपका। भारतीय स्टेट बैंक ने खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर जुर्माने को सही ठहराया है। एसबीआई के चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि जीरो बैलेंस वाले बड़ी संख्या में जनधन खातों के प्रबंधन के बोझ को संतुलित करना जरूरी है और इसके लिए कुछ शुल्क लगाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि जुर्माने पर पुनर्विचार करने के संबंध में बैंक को सरकार की ओर से कोई औपचारिक संदेश नहीं मिला है। अरुंधति भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि अगर ऐसा कोई संदेश आता है तो बैंक पुनर्विचार के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी साफ किया कि जुर्माना जनधन खातों पर लागू नहीं होगा। पिछले हफ्ते एसबीआई ने खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर जुर्माने के प्रावधान को फिर से लागू करने की घोषणा की थी। इसके अलावा अन्य बैंकिंग सेवाओं पर शुल्कों में भी संशोधन किया गया। नए शुल्क 1 अप्रैल से लागू होंगे। जनधन अकाउंट्स 11 करोड़ जनधन अकाउंट्स हमारे पास है तो ये सारे को मैनेज करने के लिए भी कुछ चार्जेस की जरूरत होती है तो हमको सारा कुछ ख्याल में रख के ही ये करना पड़ रहा है। हम बहुत सारा चीज एनालिसिस करके देखे हैं। ज्यादातर लोग 5000 से बहुत ज्यादा हमारे पास रखते हैं तो उनको कोई भी चिंता नहीं है क्योंकि उनको कोई चार्ज नहीं लगेगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोगों से लैंगिक समानता और महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने की बात कही। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्होंने देश के विकास में महिलाओं के योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर चिंता जताई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने महिला सशक्तिकरण और समान अधिकारों की बात कही। इस मौके पर राष्ट्रपति ने देश के विकास में महिलाओं के योगदान का जिक्र भी किया। Our constitutions and the directive principles enshrined in the constitution clear give the guidelines in formulating the state policies how one should provide the equal treatment and encouragement to the advancement of women। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। We not only provide training and capacity building to women artisans to come on board on this platform, there are no service charges of any kind. We are now expanding this to establish the National Women's Entrepreneurship Council, which will cater to women who want to take the entrepreneurial route for economic development. And one day this will be as important as CII, ASSOCHAM, FICCI, in influencing government policy to reduce the gender disparities। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस मौके पर 2016 के स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। महिला दिवस पहली बार 1909 में मनाया गया था और 1975 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे मनाना शुरू किया। महिलाओं के प्रति सम्मान में इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री ने देश भर में महिला सरपंचों के काम की तारीफ की। कल महिला दिवस के मौके पर गुजरात में उन्होंने महिला सरपंच सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिला सरपंच तमाम दिक्कतों के बावजूद पुरुषों से बेहतरीन काम करती हैं और अपने काम के लिए लगातार प्रयासरत रहती हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांधी जी की 150वीं जयंती पर देश को स्वच्छ बनाने की पूरी कोशिश करनी होगी। साथ ही भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा समेत कई सामाजिक बुराइयों को मिटाने में महिला सरपंच अहम भूमिका निभा सकती हैं।
प्रधानमंत्री ने इस मौके पर महिला सरपंचों को अपने गांव को स्वच्छ बनाने के लिए सम्मानित किया। स्वच्छता और महिला सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि आज तक हर प्रकार की स्वच्छता बनाए रखने में अगर सबसे ज्यादा किसी ने योगदान दिया है तो हमारे देश की नारी शक्ति ने दिया हुआ है हर प्रकार की स्वच्छता। अमेरिकी राज्य कंसास के गवर्नर सेंग ब्राउन बैक ने भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोटला की हत्या के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने श्रीनिवास की हत्या पर शोक जताते हुए लिखा है कि नफरत और असहिष्णुता के लिए उनके देश में कोई जगह नहीं है। ब्राउन बैक ने कहा कि श्रीनिवास के परिजनों के गम को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने राज्य में हमेशा भारतीयों के स्वागत की भी बात लिखी। ब्राउन बैक ने यह साफ किया कि नफरत के खिलाफ कंसास के लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। कंसास के गवर्नर ने इस सिलसिले में भारत के वाणिज्य के राजदूत अनुपम राय से भी बात कर भारतीयों को सुरक्षा का माहौल मुहैया कराने का वादा किया। उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से घाटी के कई इलाकों में पारा 6 से 8 डिग्री तक लुढ़क गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में मनाली समेत केलांग और किन्नौर में भी बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। पहाड़ों पर हो रही ताजा बर्फबारी का असर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों में पारा गिरने की संभावना है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने विधायिका में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। महिलाओं के लिए प्रेरणात्मक किताब अवेकन द मैजिक विद इन के विमोचन के मौके पर उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रतिसत्तात्मक समाज में महिलाओं को पूरी हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। उपराष्ट्रपति की पत्नी सलमा अंसारी समेत कई मशहूर हस्तियां इस मौके पर मौजूद रहीं। सलमा अंसारी ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए महिलाओं को आगे बढ़ने की बात कही। वी फॉर्मली डिसओन पेट्रियार्की बट इन प्रैक्टिस वी हैव मेड द ट्रांजिशन from patriarchy to various forms of neo-patriarchy. And this is where the challenge really lies. How soon we will overcome it, I do not know. All England Open Badminton Championship में Olympic रजत पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और एचएस प्रणय जीत का आगाज करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। शानदार शुरुआत करते हुए महिला सिंगल्स के मुकाबले में साइना नेहवाल ने नोजोमी ओहुरा को 21-15, 21-14 से हराया। दूसरे मुकाबले में पीवी सिंधु ने डेनमार्क के मेट्टे पोलसेन को शिकस्त दी। सिंधु ने महज 29 मिनट में पोलसेन को 21-10, 21-11 से मात दी। सिंधु का अगला मैच इंडोनेशिया की दिनार दियाह से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय ने चीन के कियाओ बिन को हराया। प्रणय का अगला मैच 7वीं वरीयता प्राप्त चीन के ही तियान होवेई से होगा। और आज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा देविका रानी की पुण्यतिथि है। हिंदी फिल्मों में आधुनिक भारतीय नारी का सशक्त चित्रण करने वाली अभिनेत्री देविका रानी ने न सिर्फ अपने अभिनय से भारतीय सिनेमा को सजाया बल्कि अशोक कुमार और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकार भी दिए। देविका रानी का नाम लेते ही वो तस्वीर सामने आती है जो आज की नारियों से भी ज्यादा आधुनिक और स्वतंत्र थी। नामी गिरामी परिवार से संबंध रखने वाली देविका रानी ने पढ़ाई इंग्लैंड से की। इसके बाद उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट और रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक से अभिनय और संगीत की शिक्षा ली। इस बीच उनकी मुलाकात हिमांशु रॉय से हुई। उन दिनों वो जर्मनी में एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। देविका जी की प्रतिभा देखकर उन्होंने उनको इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका दिया। इस दौरान दोनों शादी के बंधन में भी बंध गए। उन्होंने देविका रानी के साथ पहली भारतीय अंग्रेजी फिल्म कर्मा बनाई। बिफोर यू स्पीक नाउ हैज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन सीतापुर पास्ड बाय हियर नो
इस बीच हिमांशु रॉय ने बॉम्बे टॉकीज की स्थापना कर ली थी। इसी बैनर के तले 1936 में बनी फिल्म अछूत कन्या ने जातिगत भेदभाव से जूझ रहे भारतीय समाज को संदेश दिया। अशोक कुमार के साथ देविका रानी ने जीवन प्रभात, इज्जत, वचन और दुर्गा जैसी फिल्में दी। 1940 में हिमांशु रॉय के देहांत के बाद बॉम्बे टॉकीज की बागडोर देविका जी ने अपने हाथ में ले ली। देविका जी की बतौर अभिनेत्री आखिरी फिल्म रही 1943 में आई हमारी बात। 1969 में जब दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई तो वो उससे नवाजी जाने वाली पहली शख्सियत बनी। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने केवल 3 फिल्में बनाई और फिल्म जगत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। ये शख्स थे आसिफ साहब। आज उनके जन्मदिन पर आइए याद करते हैं फिल्म जगत में उनके योगदान को। चौदहवीं का चांद हूँ या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की। परफेक्शन का दूसरा नाम है के आसिफ और यही बात उन्हें सदियों तक जिंदा रखेगी। 1945 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म फूल बनाई। इस फिल्म में उस वक्त के नामी गिरामी कलाकारों पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा खोटे और सुरैया को लिया गया और फिल्म सुपरहिट रही। अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी। हालांकि इस फिल्म से पहले ही आसिफ साहब ने अपने सबसे अजीज फिल्म मुगले आजम की परिकल्पना की। इस फिल्म को बनने में 12 साल लगे, लेकिन इस फिल्म को बनाने के रास्ते में एक से बढ़कर एक मुश्किलें आईं, लेकिन सभी बाधाओं को पार करते हुए ये फिल्म 5 अगस्त 1960 को रिलीज हो गई। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। फिल्म में विशाल सेट्स लगाए गए। युद्ध वाले सीन्स में 2000 ऊंटों, 400 घोड़ों और 8000 सिपाहियों का इस्तेमाल किया गया। के आसिफ साहब का आखिरी प्रयास था लव एंड गॉड, लेकिन इस फिल्म को वो पूरा नहीं कर पाए। 1977 में उनका इंतकाल हो गया। बाद में इसे 1986 में रिलीज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से। सरकार का सकारात्मक चर्चा पर जोर। डीयू विवाद, मछुआरों की समस्या समेत कई मुद्दे उठाने की तैयारी में विपक्ष। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर राष्ट्रपति ने जताई चिंता। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर जोर। प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति के साहस और समर्पण को किया नमन। ट्रेन धमाके और लखनऊ हमले की जांच में जुटी एनआईए। मुठभेड़ में मारे गए सैफुल्लाह के आतंकी संगठन आईएस से संबंध होने से यूपी पुलिस का इनकार। विचारधारा से बताया प्रेरित। उत्तराखंड की कर्णप्रयाग और उत्तर प्रदेश की आलापुर सीट पर वोटिंग शुरू। उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर में 60% से ज्यादा और मणिपुर में रिकॉर्ड 86% मतदान। 11 मार्च को आएंगे नतीजे। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने की शानदार शुरुआत। सायना नेहवाल और पीवी सिंधु दूसरे दौर में। पुरुष वर्ग में एचएस प्रणय ने भी जीता पहला मैच। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए लोकतंत्र।